हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मुझे आपको दिखाना है कंट्रोल रूम कैसा होता है। तो ये हमारा एक कंट्रोल रूम है। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर 6 टावर है, तो 6 कंट्रोल रूम है। उनमें से एक कंट्रोल रूम का हमने सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बना रखा है, वहाँ पर सारे टावर की नेटवर्किंग कर रखी है। तो ऐसे ही एक कंट्रोल रूम है हमारे पास, ये कंट्रोल रूम भी। तो कंट्रोल रूम में सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, जितने भी लो करंट के होते हैं, ELV सिस्टम्स के होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाके, ये जो है दोस्तों आईपीटीवी का सिस्टम लगा है यहाँ पे। ऊपर अरब सेट, नैल सेट और भी बहुत सारे मीन्स डिस एंटीनास हैं जो पेड हैं, ठीक है। उसकी केबल आके यहाँ से टीवी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। फिर ये सर्वर लगे हैं, सारे आईपीटीवी के सर्वर लगे हैं। नीचे देखिए आप, आईपीटीवी के सर्वर हैं, ठीक है। और ये कार्ड भी लगता है इसमें, ठीक है, कोई चैनल के लिए। तो यहाँ से दोस्तों ये आईपीटीवी के लिए है, टेलीविज़न के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इधर बढ़ते हैं, तो ये कोर स्विच है, सर्वर का कोर स्विच है, ठीक है। और भी सर्वर है दोस्तों, इसमें RMS का सर्वर भी है। इधर रूम मैनेजमेंट का सिस्टम है, रूम मैनेजमेंट सिस्टम का सर्वर है दोस्तों। फिर वॉइस मैसेज सर्वर का है, वॉइस का दोस्तों, टेलीफोन का वॉइस जो होता है वो टेलीफोन होता है दोस्तों, ठीक है। तो RMS का हो गया, और टेलीफोन का सर्वर हो गया, IPTV का सर्वर हो गया, और डेटा का सर्वर और होना चाहिए दोस्तों। तो मैं देख रहा हूँ डेटा का सर्वर कहाँ है इसमें। डेटा का मतलब होता है इंटरनेट का दोस्तों। तो अभी देखता हूँ मैं कहाँ पर है। IP सर्वर। तो डेटा का दोस्तों जो है वो जो टेलीफोन का सर्वर है उसी में डेटा का सर्वर है, ठीक है। फिर नीचे गेटवे रखा हुआ है, ठीक है। और ये कोर स्विच है। तो ये ऐसे जो है, पीछे आप पूरा देख रहे होंगे कंट्रोल रूम में क्या क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली। तो किसी भी टावर को चलाने के लिए दोस्तों क्या क्या चाहिए, अगर मैं ELV सिस्टम और लो करंट की बात करूँ, तो एक तो TV चाहिए, फिर टेलीफोन चाहिए दोस्तों, फिर चाहिए इंटरनेट चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर रूम मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। अगर आपका जो अपार्टमेंट या टावर पूरा ऑटोमेटिक है, पूरा एक्सेस कार्ड से ओपन होता है, एक्सेस कार्ड से जो होता है, ये एक्सेस कार्ड मेरे पास है दोस्तों, ठीक है, ये एक्सेस कार्ड मेरे पास है। तो इस ये मेरा ID कार्ड भी है, इसके नीचे जो है एक्सेस कार्ड लगाया है यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो मैं इसको टच पैनल पर कराऊंगा तो डोर खुल जाएगा, ठीक है। तो उसका एक सर्वर लगा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। दोबारा कर रहा हूँ, IPTV हो गई, डेटा हो गया, टेलीफोन हो गया, RMS हो गया, ठीक है। तो उसका ये सर्वर लगा है। अब और क्या होता है कंट्रोल रूम में दोस्तों, आप ये देख लोगे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का लगा है ये सारा, पूरा मैं वीडियो बता चुका हूँ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल रूम में क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे बिल्डिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे एग्जॉस्ट फैन है, FAHU है, चिल वाटर पम्प, पावर सप्लाई जनरेटर है, फिर उन सब की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होती है, तो BMS के थ्रू होती है कंट्रोल रूम में, ठीक है। तो ये है दोस्तों, एक मैं चला के दिखा देता हूँ, जैसे कि कोई सेकेंडरी पम्प दिख जाए मुझे, कहाँ है ये देखिए, सेकेंडरी पम्प है ये, ठीक है। अब BMS का जो कंट्रोलिंग होती है उसका देखिए, वो BCM वगैरह और ये पैनल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रोल रूम क्या क्या अंदर होता है, केवल इतना ही नहीं होता, पूरे टावर में जगह जगह पैनल और स्विचेस, IT के पैनल्स, और जैसे ये BMS के पैनल्स, DDC, बहुत सारी चीज़ लगी होती है, पहले की वीडियो में बताया। तो कंट्रोल रूम में क्या क्या होता है मैं ये बताता हूँ। इसके बाद कहाँ बढ़े दोस्तों हम, BMS के बाद ये अभी बंद है, ये RMS का, यहाँ से कोडिंग होती है, RMS की कोडिंग होती है। ये देखिए, ये कार्ड एनकोडर है, इससे कार्ड इसके अंदर डालते हैं, ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पर ये सर्वर ओपन करते हैं हम उससे, और उससे कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। अभी बंद है ये, क्योंकि सेंट्रलाइज से, अब तो सेंट्रलाइज से हम कर लेते हैं, सेंट्रलाइज में सारे सिस्टम लेकर चले गए,
उसको नेटवर्किंग कर रखी है हमने। फिर अगला दोस्तों ये फायर अलार्म सिस्टम हो गया, ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम हो गया जो मैंने अभी बताया था आपको और थोड़ा अगले पहले की वीडियो में बताया था। फिर ये FM 200 हो गई दोस्तों, ठीक है, कंट्रोल रूम के लिए है FM 200। इसका पैनल भी दिखा देता हूँ आपको, ये इसका पैनल है, पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ ब्रीफली बिल्कुल पैनल पे सारे, ठीक है दोस्तों, FM 200 का पैनल है। और क्या बचा दोस्तों, फिर ये UPS हो गया स्टैंड बाई में, ठीक है, UPS स्टैंड बाई में लगा हुआ है ये, ठीक है, कभी पावर सप्लाई चले जाए तो UPS स्टैंड बाई में अप्रॉक्सीमेट 1 आवर तक इसको पावर सप्लाई दे देगा सारे सिस्टम्स को, ठीक है। फिर इसके अंदर जो IP टेलीफोन है ना उसको एनालॉग टेलीफोन की तरह यूज़ कर रहे हैं हम, उससे तो वो एक सिस्टम लगाए, ठीक है, इस वाले पैनल में, ठीक है दोस्तों, इस वाले पैनल में, ठीक है। इसके अंदर जो है बैटरीज है UPS के लिए, बहुत सारी बैटरी लगी है इसमें, ठीक है, इसके अंदर बंद है ये, इस UPS के लिए, ये UPS जो है, ठीक है, रैलियो का UPS है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कौन कौन से सिस्टम हो गए, पीछे से आपको दिखता रहे ताकि, ठीक है, आप सिस्टम कौन कौन से हो गए दोस्तों, पीछे लगा है उसमें पूरे टावर में जो सप्लाई हो रहा है, मतलब डेटा का है, टेलीफोन का है, RMS का सारा लगा है, IPTV का है, ठीक है, पीछे। फिर ये फायर अलार्म सिस्टम हो गया, आप देख रहे होंगे मेरी उंगली कहीं और जा रही होगी, ये है फायर अलार्म सिस्टम। फिर ये एनकोडिंग RMS रूम मैनेजमेंट सिस्टम की एनकोडिंग वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद एक एक करके ये UPS हो गया, ये UPS हो गया, ठीक है, ये FM 200 हो गई, ठीक है दोस्तों, ये इसके पीछे UPS का एनालॉग करने के लिए दोस्तों, हमें वो क्या कहते हैं जो IP टेलीफोन है उसका एनालॉग लाइन यूज़ करने के लिए पीछे सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये BMS सिस्टम हो गया, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और ये BMS का पैनल लगा है, ठीक है, वहाँ से ऑफिस में है। तो जनरली आपको मुझे कंट्रोल रूम भी दिखाना था कि क्या क्या होता है कंट्रोल रूम के अंदर दोस्तों, और आप एक बार अच्छे से देख लें इसको कंट्रोल रूम, एक बार आप कंट्रोल रूम में आपको दिखाने आया हूँ तो एक बार कंट्रोल रूम को आप अच्छे से देख लें। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल रूम के अंदर क्या क्या होता है आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब ये तो कंट्रोल रूम के अंदर सिस्टम लगा, यहाँ से ऑपरेशन होता है सारा दोस्तों। अब पूरे टावर में फ्लोर बाय फ्लोर सारी नेटवर्किंग के लिए, BMS के लिए, DDC, मतलब सारे इक्विपमेंट फ्लोर बाय फ्लोर जितने सारे लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं। तो ये तो कंट्रोल रूम दिखाना था आपको दोस्तों, तो उम्मीद है आपको कंट्रोल रूम की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।